हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे मूल के रूपांतरण, जिसमें हम मूलों के रूपांतरण कुछ पढ़ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे कारकी कारणों से मूल के रूपांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन मूलें, रेस्पायरी रूट, श्वसन मूल्य क्या है। इस प्रकार की मूल होती हैं जो दलदली व लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफोरा, एविसिनिया, इनमें पाई जाती है। यानी श्वसन मूलें दलदली और लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पौधे राइजोफोरा, एविसिनिया में पाई जाती हैं। इन्हें मैक्रो पादप बोलते हैं, इन्हें मैक्रो पादप बोलते हैं। जब इन पादपों की जड़ों को दलदली मृदा में ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण होकर मृदा की सतह पर आ जाते हैं, मृदा की सतह पर आ जाती हैं, जिन्हें श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर बोलते हैं। इनके ऊपर अनेक वातरंदर न्यूमेटोर्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। याद रखें, जिनके द्वारा क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें बोलते हैं श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट। याद रखें, तो एक प्रकार से राइजोफोरा एग्जाम्पल भी याद रखें, एविसिनिया के अंदर एक प्रकार से किस प्रकार की मूल पाई जाती है, श्वसन मूल पाई जाती है। और ये पौधे होते हैं जो दलदली व लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, जिन्हें मैग्रो पादप बोलते हैं। और इन पादपों की जड़ों को जब लवणीय मृदा में या दलदली मृदा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, तो ये एक प्रकार से ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होकर मृदा की सतह पर आ जाती है, जिन्हें एक प्रकार से श्वसन मूल बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। क्लियर? तो ये था कारकी कारणों से नंबर एक रूपांतरण की बात कर रहे थे। नंबर दो है आर्द्रता ग्राही मूल, आर्द्रता ग्राही मूल या जिसे ऊपरी रोही मूल या वायवीय मूलें ऊपरी रोही आर्द्रता ग्राही मूल क्या है। इस प्रकार की मूल होती हैं जो अधिक पादपों में धनरे अधिक पादपों में अधिक पादपों में पाई जाती हैं, अर्थात ये पादप सघन जंगल व अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं तथा पेड़ की शाखा के ऊपर उगते हैं, पेड़ की शाखा के ऊपर
उगते हैं, इनके अंदर एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है वेलामिन ऊतक। ध्यान रखें, वेलामिन ऊतक पाया जाता है। इनकी जड़ें होती हैं जो वायु में बाहर लटकी होती हैं, और इनके अंदर कौन सा ऊतक होता है? वेलामिन। ध्यान रखें, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि अधिपादपों की जड़ों के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? वेलामिन ऊतक पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, अंडरलाइन रहे इसको, ध्यान रहे। और ये ऊतक वायु के अंदर से नमी को अवशोषित करता है। ध्यान रहे, वायु से नमी को अवशोषित करता है और पौधे की जल की पूर्ति करता है। इस कारण इन्हें आर्द्रता ग्रही मूल बोलते हैं। ये वायु में बाहर लटकी होती है, वायवी जड़े बोलते हैं। और ये किन में पाई जाती है? अधिपादपों में पाई जाती है। अधिपादप अधिपादप जैसे वांडा है, केटेलिया है, इनके अंदर एक प्रकार से कौन सी जड़े पाए जाते हैं? आर्द्रता ग्रही या वायु में मूल्य पाई जाती है। ध्यान रखें, इन्हें अधिपादप बोलते हैं, और इनके अंदर पाए जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? वेलामिन ऊतक। तो ये अपना मूल के रूपांतरण के दो प्रकार थे। तो नंबर एक आपने क्या पढ़ा कि जिन्हें श्वसन मूल्य जो किन में पाई जाती है? राइजोफोरा और एविसिनिया में पाई जाती है। नंबर दो है आर्द्रता ग्रही मूल्य, ये किन में पाई जाती है? एक प्रकार से अधिपादपों में पाई जाती है, और अधिपादपों का उदाहरण आपके सामने है वांडा और केटेलिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।